अरे खा लिया खाना? हाँ? हाँ, और बताओ काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का एहसान है भाई, काम तो अच्छा चल रहा है। शुक्र। अरे वो मेरी सहेली है ना फिरदौस, जिसे मैंने तुम्हें भी मिलवाया था, हाँ याद है? हाँ हाँ वो तुम्हारा बहुत पूछ रही थी, कह रही थी कि अच्छा खासा लड़का है, पैसा कमाता है, शादी क्यों नहीं करता? अरे छोड़ो भाभी, पता है लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि शायद मैं तुम्हारे और परवीन के रिश्ते के खिलाफ थी और मैंने ही इस रिश्ते को खत्म कराया है। ये क्या बकवास है? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? दुनिया है, जितने मुंह उतनी बातें, ये तो होता है। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि शायद मैं और तुम्हारे भाई तुम्हें अपने काबू में रखना चाहते हैं, क्योंकि तुम घर में बाहर कमाने वाले हो, इससे तुम्हारी शादी नहीं करनी। लोग जो बोलते हैं ना, उनको मेरे सामने लेकर आओ, उनकी बोलती बंद कर दूंगा। किसकी जबानें रोकेंगे हम? दुनिया है तो दुनियादारी भी है, इसी दुनिया में रहना है। और मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी, आखिर घर तो बसाना है ना। परवीन को दिल से निकाल दो, छोड़ दो उसके बारे में सोचना। मुझे किसने कहा कि परवीन के गम को अब तक मैं दिल से लगा बैठा हूं? कि दिल से उतर गई है वो? सच? इसका मतलब है तुम शादी के लिए राजी हो? सिर्फ परवीन ही दिल से नहीं उतरी, हर औरत ही मुझे बेएतबार लगने लगी। ये सोचकर ही ना दिल लुकता आ जाता है मेरा। अभी बस तुम, मैं, भाई जी, ब्रानी है ना, हम मगन है बस एक दूसरे की दुनिया में। किसी और फालतू रिश्ते की गुंजाइश नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, तो फिर अपने पिछले तजर्बे से सीखो ना। इस बार जो आए ना उसे उसके औकात में रखना, सर पे मत चढ़ाना, दिमाग ना खराब करना उसका। देखो घर तो बसाना है ना, शादी तो करनी है। अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। तो फिर जल्दी सोच लो, जवाब मुझे हाँ में ही चाहिए, और इसे मेरा हुक्म ही समझो। भाभी मुझे उदास नहीं देख सकती है, उसको फिक्र रहती है मेरी। हाय पता है मेरा क्या दिल कर रहा है इस वक्त, कि मैं तुम्हारे साथ यूं ही चलती रहूं और ये सफर कभी खत्म ना हो। हर सफर एक ना एक दिन खत्म हो जाता है, जैसे हमारा सफर अभी खत्म हो जाए। अरे जालिम, कहीं मेरा दिल रखने को ही कह देता कि मेरा तेरे साथ चलने को दिल कर रहा है दूर तक। अगर मैं तेरे साथ दूर तक निकल गया तो सुबह अड्डे पर काम कौन करेगा? लो भला, इस वक्त काम कहां से याद आ गया? जिंदगी की हकीकतें साथ साथ होती हैं, ये भाभी ने मुझे एहसास दिलाया है। अभी कहती है मैं जिंदगी की तरफ लौटा हूं। मुझे शादी की बात करती है वो। अच्छा? हाँ, पर मेरा ख्याल है मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे दिल में अभी शादी का कोई अरमान नहीं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो साहब, शादी ना तुम तब करना जब जब तुम्हें कोई लड़की भा जाए। अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम सर। आपकी दोस्त अंदर कमरे में,
अच्छा, ये घर का काम, हांडी रोटी, सफाई सफाई तुम ही करती हो जी? पढ़ती भी हो? कभी अपने बाप को नहीं बताया कि फिरदौस इतना काम कराती है तुमसे? जुल्म है, जुल्म। अरे शहनाज, हाँ तू कब आई अभी? और खड़ी क्यों है? आ बैठ ना और जा जाके मेरी सहेली के लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आ, जा जल्दी। और सुना कैसी है फिरदौस बीबी? बहुत जरूरी बात करने आई हूँ मैं तुमसे। हाँ तो करना। वाकई? अब देख ले, सहेली हो तो मेरे जैसी। उस दिन तूने अपनी परेशानी का जिक्र किया था ना, मैं तो सारा वक्त उसी का सोचती रही और तेरी परेशानी का हल निकाल के ले आई। परेशानी तुझ से दूर हो जाएगी, तेरे घर से दूर हो जाएगी। अरे सोच क्या रही है, ना मुझे जहेज की जरूरत है ना कोई शक है। हाँ बस तू बात कर ले भैंस, मैं तो सिर्फ तेरी मोहब्बत में ये सब कर रही हूँ। हाँ सच में शहनाज, सहेली हो तो तुझ जैसी। मैं आज ही शौकत से बात करती हूँ। और बात मनवाए बगैर तूने उठता नहीं है, फिर मैं और रफीक बकायदा रिश्ता लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बस तू शादी की तारीख लेने में ना जल्दी करना। अरे तू शौकत भाई को तो मना, फिर जैसा तू कहेगी ना वैसा ही होगा। बिल्कुल ठीक है, बात पक्की फिर? पक्की। अच्छा सुल्तान ठेकेदार? अबे वो बड़ा ऊंचा बंदा है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन सुल्तान ठेकेदार? हाँ हाँ शौकत, तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? उसी की बात कर रही हूँ, तुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो मेरी सहेली है ना शहनाज, उसका देवर है, बड़ी तारीफें कर रही थी उसकी। हाँ बंदा है तो तारीफ के काबिल, लेकिन मेरे घर में रिश्ता मुश्किल है। वो जो तेरी सहेली है ना, उसे तेरी मोहब्बत में ऐसा कह दिया, वो मानेगा नहीं। अरे वो सुल्तान ना मेरी सहेली को अपनी माँ की जगह लेता है, वो कह रही थी कि वो उसकी कोई बात इनकार कर ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, नहीं तो और क्या। अब जल्दी बता क्या जवाब दूँ शहनाज को, वो तो बाकायदा रिश्ता डालने आना चाहती है। हाँ तो बुला ले उसे, किसने रोका है? लो फिर मुबारक हो, हमारी बेटी का तो बड़ी अच्छी जगह रिश्ता तय होने जा रहा है। इंशाल्लाह इसी इतवार को बुला ले, मैं रिफत को भी ना पैगाम भिजवा दूंगा, आखिर को वो सगी खाला उसकी। खाला ने पीछा नहीं छोड़ना। मुझे नहीं करनी शादी वादी खाला, आप बोल दे अब्बा से। शहजाद को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, और वो भी उस जालिम औरत के एतबार पर। जुल्म करेगी मेरे भाई पर, मैंने नहीं करनी शादी। देखो बेटा, अगर मैं उस लड़के से ना मिली होती ना, तो मैं तुमसे कभी इस रिश्ते के लिए नहीं कहती। बेटा ऐसे रिश्ते रोज रोज तो नहीं आते हैं ना, और ज्यादा घर में लोग भी नहीं है। तुम ऐसा करना ना, शहजाद को अपने साथ ले जाना। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, उनके घर में उसका एक ही भाई है जो अपने घर बार वाला है, और एक बहन है उसकी। कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, रानी बन के रहोगी रानी है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ने शायद तुम्हारी
दुआ सुन ली है, तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी है। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अच्छा चल देखो अब मैं चलती हूँ, तुम ना इस रिश्ते के बारे में सोचना जरूर बेटा, ठीक है? बहुत ख्याल रखना अपना, सही है? अल्लाह हाफिज़, फिर आऊंगी मैं, ठीक है? लो भाई मुंह मीठा करो, मिठाई खाओ। अभी पहले ये तो बता दो किस बात की मिठाई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास तुम्हारे लिए। मिठाई तो पहले भी आई थी किसी के घर में, खबर तो वो भी खुशी ही की थी मगर मेरे लिए नहीं थी। अरे दफा करो उसे, मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। ईतल को सोना समझ लिया था हमने, लेकिन यकीन जानो मुझे लगता है कि इस बार हमें धोखा नहीं होगा। मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने जिंदगी को बरतना सीख लिया है, सबक हासिल कर लिया है। तुम्हें यह बात समझ आ गई है कि जिंदगी किसी के बस में नहीं होती, उसे बस में करना पड़ता है। अभी अभी मेरा दिल नहीं मानता है। अरे ये दिल कहां से आ गया बीच में? हाँ दफा करो दिल को। मैं तुम्हारे लिए महबूबा नहीं ला रही हूं, मैं बीवी की बात कर रही हूं। और बीवी कौन होती है? अरे बीवी तो वो होती है जो शौहर की रजा में अपनी रजा समझती है, उसका दिलो जान से ख्याल करती है, उसकी खुशी में उसकी खुशी होती है। शौहर दिन को रात कहता है तो बीवी भी दिन को रात ही कहती है, शोहर की बात को हुक्म समझती है, उसके हर इशारे को समझती है। अब तुम कहोगे कि ऐसी औरत कहां मिलेगी? ऐसी औरत मिलती नहीं है। जब औरत बीवी बन के शोहर के घर की चौखट को पार करती है ना, तो उसे ऐसा बनाना पड़ता है, उसकी हदें मुतय्यन करनी पड़ती हैं, अपने तौर तरीके सिखाने पड़ते हैं। याद रखना, आशिक दुनिया में नाकाम ही होता है, लेकिन सुल्तान हुकूमत करता है, सिर्फ हुक्म देता है, अपनी सुनता है और अपनी ही करता है। अपने नाम की लाज रखना, सुल्तान है सुल्तान, समझे? मैंने जो भी चाहा सब ही हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है, वो जिंदगी को जीतना है, फिर ये कैसा गलत और ये कैसा सही, चैन भी आइंदा अगर इन्हें कोई तकलीफ हुई ना टांगे तोड़ दूं। शुक्र है कि मैं इस रास्ते पे बहुत दूर तक नहीं निकली थी। इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, कहाँ थी? उधर जहाँ टंगी छोड़ के गई थी वहीं की वहीं थी। घर में कोई काम वाम नहीं था? वो तेरी जिठानी है ना, उसका आना जाना लगा रहता है, वो तेरे ये रंग ढंग देखेगी ना तो रिश्ते से इनकार कर देगी। अच्छा है ना,
कर दे इनकार, मुझे भी कोई शौक नहीं है शादी। अरे वाह, तू क्या चाहती है, मेरे सर पे हमेशा सवार रहने का शौक है तुझे? कान खोल के सुन ले, मैं तुझे ना बहुत जल्द इस घर से फारिग करना चाहती हूँ। हाँ जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। क्या बात है, मूड खराब लग रहा है तेरा? ये देख, मैंने तेरी शादी के लिए कितनी शॉपिंग की है, देख ना। आ आ बैठ, देख ना, ये देख देख, ये कैसा है? बता बता ना कैसा है। बहुत प्यारा है, है ना? और ये देख, ये वाला कैसा है? ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, है ना? तेरी शादी के लिए शॉपिंग किया है, ये वाला मैं मेहंदी के रोज पहनूंगी और ये वाला तेरी शादी के रोज पहनूंगी। अभी ठहर, मैं साथ की सैंडलें भी लाई हूँ। ये देख, मैचिंग की सैंडल कैसी है ना, कुछ अपने ही उठा कर लेकर आई। हाँ तो मुझे लगा मेरे लिए। अरे लो भला, मैं क्यों ख्वार होंगी तेरे लिए? वो तेरी खाला है ना, वो करेगी तेरी जहेज की तैयारी। तो तुमने छोड़ दिया साहब, बड़ी बदनसीब औरत थी, पछताएगी, रोएगी एक दिन। आशिक दुनिया में ना काम ही होता है, लेकिन सुल्तान हुकूमत करता है, सिर्फ हुक्म देता है। अपने नाम की लाज रख रहा। भाभी शादी हो रही है आपकी? हाँ तो मैं शादी में बहुत अच्छे कपड़े बनवाऊंगी। अच्छा, मैं खुद अपनी पसंद के कपड़े सिलवाऊंगी। हाँ तो भाभी के साथ बाजार चली जाना। आप मुझे ले जाएं। ए रानी, मैं कहाँ, हाँ भाई, क्या वो आज अड्डे पर नहीं गए? बस जा रहा हूँ भाई जी, अगले दिनों में मुझे एक बड़ी रकम चाहिए होगी, एक कारोबार शुरू करने लगा हूँ मैं। क्या जरूरत है भाई जी, बीमार हो आराम करो, अपने इलाज पर तवज्जो दो, बाकी का सारा बोझ मेरे कांधों पर डाल दो। क्या मतलब है, मैं क्या इसी तरह घर में बिल्कुल नाकारा बैठ जाऊं? देखो आज तो तुम हमारे खर्चे उठा रहे हो, हाँ कल को तुम्हारी घर वाली आ जाए और अगर उसने एतराज किया तो हम कहां जाएंगे, क्या बनेगा हमारा, बताओ। एक बात तो तय, जिसे एतराज होगा वो इस घर में नहीं रहेगा। क्या सुल्तान, तू मेरा शेर है, मेरा सुल्तान, मेरी जान। भाभी कहाँ है? गई होगी ससुराल तुम्हारी। क्यों? वो शायद लड़की का नाप लेना है, कपड़े बनाने हैं ना। लंबी जोड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है भाई जी, भाभी को समझा देना, इस मामले में मेरी तो एक नहीं मानेगी। भाई अब भाभी से कहें कि किसी रोज वो मुझे छोटी भाभी से मिलवाने ले जाएं। वे नहीं 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 है, कोई जरूरत नहीं है। अरे वो इसी घर आ जाएगी, फिर देख लेना। जाओ जाके काम को देखो,
ऐसा ना हो कि वो नेक बाख थकी हारी घर आए और आगे घर उल्टा पड़ा हो, वो फौरन काम पर लग जाएगी। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। भाई जी, मुझे नहीं मालूम था भाभी ने मेरा रिश्ता शौकत ड्राइवर के घर तय किया है। अच्छे लोग हैं। अच्छा क्या अच्छाई देखी है? भाभी ने लड़की की खाला से मिलवाया था मुझे, आधा सी औरत लगी मुझे, और वो शौकत भी अच्छा ही आदमी है। असल पता तो जब चलता है, जब रिश्तेदारी बनती है, दूर से तो सब अच्छे ही होते हैं। ये तो है भाई जी, इसलिए खुशगुमानियों को दिल में जगह ना दो, समझ रहे हो ना बात? जी भाई जी। और सुन, ससुराल से जरा फासला रखना, और बीवी को पहले दिन से ही औकात में रखना, वरना सारी उम्र पछतावे में गुजर जाएगी। चल मैं चलता हूँ, दवाई लेनी है। पता नहीं वही है या उसकी कोई बहन है, जो भी हो क्या फर्क पड़ता है। अरे तौबा है, इतनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ मैं, कोई खोल ही नहीं रहा, सुनाई नहीं देता क्या? मैं काम कर रही थी। अब आप ठीक हैं? फिरदौस कहाँ है? वो बराबर वाले घर में गई हैं। मैं बुलाकर ला। नहीं नहीं रहने दो, अब आई हूँ तो थोड़ी देर बैठूंगी, आ ही जाएगी थोड़ी देर में। तो ठीक है, मैं ठंडा पानी लेकर आऊँ। अरे ठंडा पानी पिलाओ क्या, सिर्फ सादा ठंडा शरबत बना के लाओ। अच्छा सा वो शरबत तो खत्म हो गया घर में। मैं एक काम करती हूँ, मैं गली में किसी बच्चे को देखती हूँ, उसको भिजवा कर कोल्ड ड्रिंक मंगवा देती हूँ। हाँ भाई, मेहमानों को बोतल पे टरखा दो। अच्छा है बहाना काम ना करने का। मैं काम छोड़ नहीं हूँ। अच्छा काम छोर नहीं हो तो क्या क्या कर लेती हो? रोटी हांडी तो आती होगी, इसके अलावा क्या कर लेती हो? क्या हुनर है तुम्हारे अंदर? मैं सफाई कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। अरे ये भी कोई गिनवाने वाले काम है? मेरे कहने का मतलब है कि कोई हुनर है तुम में, कुछ सिलाई कढ़ाई कोई? सिलाई तो नहीं आती। अच्छा तो फिर सीख लो, शादी के बाद काम आएगी। जी। देखो एक बात कान खोल के सुन लो और जहन में बिठा लो, मेरे घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ और जो मैं चाहती हूँ। फिर दोस्त बता रही थी कि तुम बातूनी बहुत, बोलती बहुत। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, बिल्कुल बात नहीं करती। अच्छा तो तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है क्या? नहीं। लेकिन कह तो तुम यही रही हो ना, ये राय रखती हो तुम अपनी माँ के बारे में? नहीं, मेरा मतलब नहीं था वो। अच्छा जाओ फिर दोस्त को बुला लो। हाँ जाओ। जी
अरे नहीं चाहिए, हमारा मूड का सत्यानाश कर दिया। हाँ लो भला, मैंने क्या कर दिया? मेरा क्यों कसूर निकाल रहे हो साहब? मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में साहब? इतनी गुस्से वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? अगर वो भी उसी जैसी निकली ना तो कसम से जान ले लूंगा मैं उसकी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसकी जान ले लोगे, क्या बात कर रहे हो? भाभी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, टाल भी नहीं सका ना भाभी की बात। रिश्ता पक्का कर दिया? बिल्कुल पक्का हो गया? हाँ। कौन है वो नसीबों वाली? शौकत ड्राइवर को जानती है? ये इधर ही अड्डे पे होता है, बेटी है उसकी। नाम क्या है उसका? पता नहीं। कैसी दिखती है? पता नहीं। तुमने देखा नहीं उसे? देखा है मगर उस नजर से नहीं देखा। नए नक्श तो अच्छे हैं मगर नए नक्श से क्या होता? ओए किधर जा रही है? नाम क्या था उसका? पापा ये सोनिया के जहेज के पैसे, भेजा उसे अपने साथ बाजार में, जिस चीज पे हाथ रखे ना ले देना उसे। बेफिक्र हो जाओ शौकत भाई, मैं उसकी पसंद का ही जहेज बनवाऊंगा। और दुआ करना अल्लाह उसका नसीब सबसे अच्छा। हाँ भाई, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह। बाजी ये क्या लिखा हुआ है? क्या बाजी अब रो रही है? नहीं अम्मी ने कुछ कहा है? मुझे पता ही नहीं था शहजाद कि अब्बा मुझसे इतनी मोहब्बत करते, और पता चलता भी कैसे, उन्होंने कभी इजहार ही नहीं किया। लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखेंगे। बाजी आप शादी करके यहां से जाएंगी, मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। आप शादी मत करें ना, मुझे अकेला मत छोड़ें। मेरे बस में होता ना शहजाद, कभी भी ना जाती। खैर क्या पूछ रहे थे? ये भाई सुल्तान, आज गई थी मैं तुम्हारे ससुराल, मुलाकात हुई तुम्हारी होने वाली बीवी सोनिया से, घर में अकेली थी वो। बेचारी को इतनी भी तमीज नहीं है किसी आए गए को चाय पूछ ले।
लेकिन उसका कोई कसूर नहीं है। शायद बेचारी की तरबियत ही ठीक नहीं हुई। बाप तो तवज्जो देता नहीं है, माँ है। देख जैसे ही वो इस घर में आएगी शनाज की शागिर्दी में दे देना, सही है? तरीका सलीका सब सिखा देगी उसे। भारी निगरानी में ही होगी भाई, जैसे चाहे देख लेना। अरे मैंने क्या निगरानी कर, मैंने कौन सा कोई जुल्म ढाले हैं भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? अरे बहुत ही नर्म दिल है शहनाज का। हाँ किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। और इस घर में किसका क्या मकाम है ये तो तुम्हें ही बताना होगा उसे। हाँ जी भाई जी। देखने में कैसी है वो? अरे रानी तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? चलो शाबाश, सारे बर्तन उठाओ, धोने भी हैं। और अगर तुम थक गई हो ना तो रहने देना, मैं धो लूंगी। शाबाश जाओ। अभी वो आप जब शॉपिंग पे जाएं तो रानी को भी साथ ले जाइए, दिला राना जो चाहे। अरे इसे अच्छे बुरे की क्या पहचान है, तुम फिक्र ना करो, मैं इसके लिए बहुत अच्छे कपड़े बनवाऊंगी। हाँ फिर भी ले जाइएगा साथ। हाँ, अपनी पसंद से चीजें ले ले। हाँ हाँ हाँ, बड़ी भी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, दो चार जोड़े काफी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा सुल्तान। अरे जिस दिन वो घर में आएगी अपनी मर्जी से बनवाती रहेगी, अभी क्या पैसे खर्च करने हैं। हाँ ठीक कह रहे हो रफीक, अब पता नहीं उसे मेरी खरीदी हुई चीजें पसंद भी आए या ना आए, खुद ही बनवा लेगी आके। सुन रहा है सुल्तान? सुन रहा है इसकी बातें? नेक बख्त, कंट्रोल में रख रहे हैं उसे, दूसरी परवीन नहीं बनाना। हाँ इतनी हिम्मत नहीं देनी कि तुम्हारी लाई चीजों में कीड़े निकालने लगे। हाँ जी ठीक कह रहे हैं। अरे भाई मैं तो बहुत चाव से ला रही हूँ, थोड़े नाश तो उठाने दो। हाँ उठा लेना भाई, चाहे इन चाव चोचलों में हमारा कबाड़ा हो जाए। क्यों सुल्तान? बस करो। अभी ये कुछ पैसे हैं रख लो, तैयारी के लिए जरूरत होगी ना। अच्छा चल लो। चल भाई। अरे इधर लाना, दे दे ना। क्या है? अरे देता हूं ना तुझे, दे तो देख। ये तो मैं लगाऊंगा कारोबार में, तू ये रख ले। अरे दो चार हल्के फुल्के जोड़े बनवा लेना। एक काम को 100 घंटे लगा देती है, आप भी जा। खुश्क हो गया मेरा सर, तेल लगा जल्दी से। क्या हुआ? तेल लगाने से क्या होगा? आपके तो बाल ही सफेद हो रहे। क्या मेरे बाल सफेद हो रहे? मेरे कैसे हो सकते हैं सफेद भाई, मेरे तो अभी उम्र ही क्या है। हाँ नहीं नहीं ये देखे ना, यहाँ से भी और ये यहाँ से भी जड़ें सफेद हो रही हैं सारी। अच्छा क्या करूँ फिर मैं? ऐसा करती हूँ रंग लेती हूँ। नहीं रंगने से तो और ज्यादा सफेद हो जाएंगे। मेहंदी घोल के लिया। नो जी, नहीं मुसीबत। क्या क्या कहा तूने? हाँ क्या बोल रही थी अभी? तो कुछ ज्यादा काम चोर नहीं होती जा रही? हाँ वो जो तेरी जिठानी है ना, तुझे पलंग पे बैठा के तुझे रोटियां नहीं पेश करने वाली, तब तुझे जाके मेरी कदर होगी। अब जा जाके मेहंदी लेके आ, मैं जब तक कल के ड्रामे की किस्त देख लूं।
उस बेचारी हीरोइन पे कितना जुल्म हो रहा है। इतनी मासूम लगती है, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे बाल सफेद हो गए, मैं क्या करूंगी? मेहंदी घोलो, नहीं मुसीबत। बाजी बाजी सोनिया बाजी, अड्डे पे वैन का सिलेंडर फट गया, आग लग गई है, बड़े लोग जख्मी है। हरियाला, मेरे अब्बा कैसे, उनकी कोई खबर है? उनका कुछ नहीं पता, बहुत सारे लोग जख्मी है और कुछ मर भी गए। आप जल्दी से आ जाए।